हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मात्र 11 रुपये का ये शेयर है। और अगर आप देखें शेयर को, सबसे मेजर जो अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है वो देखते हैं। जिस तरीके से अगर आप आजकल की डेट में देख रहे हो, आरबीआई अपना रेपो रेट लगातार कम करते जा रहा है, तो ये बैंक का शेयर है जो मात्र 11 रुपये का है। और सारे बैंक्स जिस तरीके से एसबीआई ने जो लोन्स हैं वो डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक कर दिए गए हैं, तो जिस तरीके से जब भी रेपो रेट में करेक्शन होगा, गिरावट आएगी, तो आपका लोन भी सस्ता होगा। अभी तक ये जो लिंकिंग है वो खास करके होम लोन में चल रही है, लेकिन इस बैंक ने यहाँ पे ये जो लिंकिंग है वो बाकी रिटेल सेक्टर के लोन्स में भी, जो रिटेल लोन्स जिनको कहते हो आप, वहाँ पे भी कर दी है। तो क्या इस स्टेप के बाद शेयर में उछाल आएगा? तो मैं कहूँगा काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। अगर लोन का इंटरेस्ट रेट, डेफिनेटली चाहे वो होम लोन हो या फिर आपका हाउसिंग लोन हो, तो दोनों में अगर इंटरेस्ट रेट में कमी देखने को मिलेगी, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो कस्टमर को इस चीज़। और अगर आप इस तरीके से सस्ता लोन दोगे और अपनी सर्विसेज अच्छी रखोगे, तो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे लोग। और देखते हैं शेयर में भी उछाल आएगा, ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो देखिए कौन सा ये शेयर है। ये देखिए आप, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं बात करूँ तो 6,500 करोड़ की है। 11 रुपये 40 पैसे का प्राइस है, बुक वैल्यू 9 रुपये 85 पैसे के आसपास की है। और यहाँ पे ये सबसे पहले बता दूँ, एक सरकारी बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है यहाँ पे लोन से रिलेटेड, तो आप देखिए पिछले क्वार्टर में इसने जून क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी और 81 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। और उससे पहले मार्च क्वार्टर में 72 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर आप पिछले कई क्वार्टर्स को देखे जाए, तो पहली बार इस तरीके से इसने बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिखाया है। और अब बढ़ता हुआ प्रॉफिट देख के डेफिनेटली यहाँ पे लोग अट्रैक्ट तो हुए हैं शेयर की तरफ। अब मेन इंपॉर्टेंट है ये देखिए आप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 81 करोड़ का जिस तरीके से प्रॉफिट दिखाया था जून वाले क्वार्टर में, वो काबिले तारीफ था। और साथ में जो अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू लिंक रिटेल लोन्स विद रेपो रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जब आप रिटेल लोन्स को भी रेपो रेट से लिंक करोगे, तो आपके रिटेल लोन्स भी सस्ते होंगे। रिटेल लोन्स अगर आपके सस्ते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अब ये सितंबर 1 से इफेक्टिव हो जाएगा, और अभी के ये अगस्त चल रहा है, 5-6 दिन बाद ये इफेक्टिव हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई कुछ तो बढ़िया है। और दूसरा जो अभी निर्मला सीतारमन जी ने फ्राइडे को लॉन्च किया था 70,000 करोड़ का राहत पैकेज इन सरकारी बैंकों के लिए है, तो यहाँ पे इस स्टॉक में और भी अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सस्ते लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है। और मैं कहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फ्राइडे को कहा था कि दैट बैंक्स विल लॉन्च रेपो रेट एंड एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन प्रोडक्ट्स दैट विल बी लीड रिड्यूस्ड ईएमआई फॉर हाउसिंग व्हीकल एंड अदर रिटेल लोन्स, क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ा सा रिकवरी चाहिए, तो यहाँ पे लोन्स को, जितने भी रिटेल लोन्स हो या फिर हाउसिंग लोन्स है, तो वो अगर सस्ते होंगे तभी थोड़ा सा कस्टमर खरीदने की सोचेगा और तब इकोनॉमी रिवाइव हो पाएगी। अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए किस तरीके से ये चीज़ चलती है। अब ये मान के चलिए अभी का जो आरबीआई का रेपो रेट है वो 5.40 का है, ठीक है, तो मतलब 5.40 के बेसिस पे 5.40 का जो इंटरेस्ट रेट है उसके बेसिस पे आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एसबीआई का ये डिटेल है किस तरीके से एसबीआई देखिए 2.25% ऊपर यहाँ पे चार्ज करता है एक्स्ट्रा, एसबीआई लेविड स्प्रेड अबव द रेपो रेट जो कि 2.25%, आप इसको जोड़ लीजिए 2.25% 5.40 में, तो ये हो जाता है 7.65% हो जाता है जो एक्स्ट्रा है। लेकिन उसके अलावा ये जो चीज़ें लगाता है, जिस तरीके से अप टू 75 लाख के लोन पे ये 55% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगाता है क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर, मतलब इसके हाथ में होता है, ये मान के चलिए कि 0.85% इसके हाथ में होता है, तो एक्चुअल होम लोन जो बन जाता है आपका 8.20 बन जाता है। और हाई क्रेडिट वर्थनेस पे ये जो 0.55 पे यहाँ पे 0.40 लगाता है, और यहाँ पे ए तो आपका जो हाउस लोन जो एसबीआई से आप लेते हो, तो किस तरीके से ये वेरी करता है, 8.05 से 8.20 वेरी करता है। तो यहाँ पे जो बाकी कंपनीज है, जैसे आप देख रहे होंगे इंडिया बुल्स हो गया, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो भी हैं, कैन फाइनेंस हो गया, या IIFL हो गया, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे ज़्यादा लगाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो उस तरीके से अगर मोर देन 75 लाख का लोन है, तो आपके ऊपर जो ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिंक है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए आपका लोन रेट भी बढ़ जाता है। तो कभी भी अगर आप घर खरीदने जाए या कोई भी रिटेल लोन लें, तो ये चीज़ें जरूरी आप देखें, आपको समझनी भी चाहिए ये चीज़ें, मैं कहूँगा बेसिक चीज़ें हैं। और फिलहाल
अब रेपो रेट पे अगर ये लिंक होगा चीज़ें, जैसे लिंक हो रहा है डायरेक्टली, तो आपका जिस तरीके से अगर रेपो रेट कम होगा तो ये तो इनके फिक्स कंपोनेंट है, या फिर थोड़ा बहुत इनमें भी वेरिएबल हो सकता है, तो उसी के बेसिस पे आपका डायरेक्टली जो लोन है वो कम ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि आपको फाइलिंग करनी है, आपको करना है, डिटेल भरनी है, उनको कहना पड़ रहा है बैंक वालों को, तब अगर ये चीज़ें होंगी तभी फ़ायदा है। और यहीं पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये करने वाला है कि आपको हाउसिंग लोन ही नहीं रिटेल सेगमेंट में भी इस तरीके से जो है लिंकिंग की कर दी जाएगी। तो ये मैं कहूँगा सितंबर 1 से अनाउंसमेंट, 1 से स्टार्ट करने वाला है, लागू करने वाला है। तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर में यहाँ पे उछाल जरूर आ सकता है अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स इसके बढ़ते हैं। तो इस स्टेप्स फिलहाल के टाइम पे जो कंडीशन बनी हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, वो आप देखिए कहाँ पे लाइए शेयर करता है। ये वीकली चार्ट है, अगर मैं वीकली चार्ट पे शेयर को देखूँ तो बिल्कुल निचले लेवल पे शेयर चल रहा है, और ये मान के चलिए कि जो इसका लो था 10.75 10.80 के लेवल पे, उसको टच करके शेयर ने थोड़ा रिकवरी जरूर दिखाई है, ऑलमोस्ट बॉटम बनाया है शेयर ने। ये देखिए आप बॉटम, बिल्कुल बॉटम बना के अब रिकवरी मुझे देखने को मिल सकती है अगर इस स्टेप के बाद इसके कस्टमर्स बढ़ते हैं तो। अगर मैं इसका जो अक्टूबर टाइम फ्रेम की गिरावट है वो भी इसको इसके निचले स्तर पे लेके आई थी, फिर इसने रिकवरी अच्छी खासी दिखाई थी और शेयर 19 रुपये के आसपास गया था। एक शेयर 10 रुपये से 19 रुपये के आसपास जाना, तो मतलब कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास जाना, मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया इसने रिकवरी दिखाई थी। और जो इसका 50 डे का मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस का काम भी करता है और सपोर्ट का भी काम करता है, कई बार इसने सपोर्ट दिया है। और अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि इमीडिएट इसमें पहले अगर आप टारगेट ले लोगे, अगर इसमें बाइंग करना चाहते हो तो टारगेट 50 डे मूविंग एवरेज तक, यानी कि 14-15 रुपये का ही टारगेट लीजिए, उससे ज़्यादा फिलहाल मत लीजिए। क्योंकि अगर एक बार इस लाइन को पार कर गया फिर ये सपोर्ट का काम करेगा और आपका टारगेट वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो काफ़ी निचला शेयर है, काफ़ी रिस्की शेयर ज़रूर है, क्योंकि सरकारी बैंक है और सरकारी बैंक के सारे शेयर काफ़ी रिस्क में चल रहे हैं फिलहाल के टाइम। और ये शेयर थोड़ा अट्रैक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, और दूसरी चीज़ ये पिछले 2 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट दिखा रहा है, और तीसरी चीज़ ये नए स्टेप्स जिस तरीके से लोन रेट्स को रेपो रेट के साथ लिंक करना, और वो भी रिटेल लोन्स को भी साथ के साथ हाउसिंग लोन को भी, अगर कस्टमर फोकस यहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। अगर मैं डेली चार्ट पे आपको इसका डिटेल दिखाऊं, डेली पैटर्न पे, तो वो भी आप देखें जरूर। ये डेली पैटर्न इसका चल रहा है, डेली पैटर्न पे पिछले 4-5 दिनों से लगातार इसमें गिरावट चल रही है, और उसके बाद फ्राइडे को इसमें थोड़ा सा इनडिसीजन पॉइंट मुझे देखने को मिला है, और इनडिसीजन पॉइंट के बाद मुझे लगता है कि हाँ धीरे धीरे शेयर में अपसाइड पोटेंशियल आ सकता है। बट यह कि अभी के टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना होगा। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आगे मैं अगर डिटेल दिखाऊँ तो देखिए सरकारी बैंक का तो ये स्टॉक है जिसकी जो मेजर शेयर जो राष्ट्रपति जी के पास, इसके 92.49% शेयर होल्डिंग राष्ट्रपति जी के पास है। और अगर आप इस शेयर में देखा जाए तो LIC एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके पास आपको यकीन नहीं होगा 15 करोड़ 17 लाख शेयर्स LIC के पास है, तो मेजर प्रमोटर LIC है। अब देखते कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेस की कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है फिलहाल। और अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर का मेन प्रॉफिट एंड लॉस देखें, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि क्यों अट्रैक्टिव ये शेयर है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में इसने अट्रैक्ट किया है कस्टमर को, और पिछले सारे क्वार्टर्स में बिल्कुल नीचे गिरा हुआ शेयर था, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद। अब दूसरी चीज़, जैसे कि मैं कहता हूँ कि बैंक के स्टॉक में NPA की बात करता हूँ, तो NPA जरूर मुझे यहाँ पे जो 20-21% 18-20-21% का NPA चल रहा था, ये देखिए वो कम होता नजर आया। ऑल दो मार्च क्वार्टर में बहुत कम आ गया था, लेकिन जून क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा हुआ जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो 12-13% का NPA था उसके कंपैरिजन में, जो ये नेट NPA था 12-13% के आसपास चल रहा था, उसके कंपैरिजन में 5% के 6% के अंडर आना अपने आप में काबिले तारीफ है। और पिछले 3 क्वार्टर का अगर आप NPA देखें तो काफ़ी सुधार मुझे लग रहा है नेट NPA में पिछले 3 क्वार्टर में। तो ये चीज़ें जब भी आप बैंकिंग स्टॉक्स में अगर इंप्रूवमेंट देखते हो तो प्रॉफिट के साथ साथ आप NPA जरूर देखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, क्योंकि NPA मतलब वहां से कोई पैसा आएगा नहीं, वो पैसा आपका डूब चुका है, ये मान के चले कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, और उसकी कीमत, उसका रिटर्न अब कुछ नहीं आ रहा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक्स के लिए। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक है जो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किया, साथ में जो इसने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको दी है और होम लोन से रिलेटेड, या फिर ये जो मैंने आपको रेपो रेट से लिंकिंग बताई, वो भी मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल शेयर कीजिए, और आपकी अपनी कोई क्वेरी के अलावा अगर आप कुछ शेयर करना चाहता है डेटा स्टॉक के बारे में या फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक के बारे में, आप अभी तक फिलहाल तो जितनी गाली दो उतनी कम है, क्योंकि इन लोगों ने
सीरियसली इन लोगों ने नहीं, पॉलिटिक्स ने या फिर गवर्नमेंट्स ने, मुझे लगता है कि इनको बिल्कुल डुबा के रखा हुआ है अभी तक के टाइम फ्रेम में। चलिए अब थोड़ा सा अगर ये काम करेंगे इस तरीके से, सस्ते करेंगे लोन, तो डेफिनेटली कस्टमर अट्रैक्ट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।